राजस्थान के जयपुर में शक्ति केंद्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज पूरा देश 45 शहीद जवानों के परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार इनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी, इनकी शहादत का उचित जवाब सेना द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद को जवाब देने के लिए जितनी राजनीतिक इच्छा नरेंद्र मोदी जी में है उतनी विश्व के किसी नेता में नहीं है। सेना को मजबूत करना, आधुनिक बनाना, जवानों को हथियार देना, ये सभी चीजों पर भाजपा सरकार ने अच्छे कामों की शुरुआत की है। पुलवामा में जिस प्रकार से 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए और ये दो दिन में 5 और जवान सेना के और सीआरपीएफ के शहीद हुए हैं, वो हम सब के लिए फिर से एक बार आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेने का आज मौका है। राजस्थान के भी श्री रोहतास लांबा, श्री नारायण लाल गुर्जर, श्री हेमराज मीणा, भरतपुर के भाई जीतराम, धौलपुर के श्री भगीरथ सिंह, ये 5 राजस्थान के सपूतों ने भी मां भारती की सुरक्षा के लिए अपने जान नौछावर किए हैं।